राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम गर्मी। बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं। अक्कर बक्कर बम्बी वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। अब तेरी बारी है, तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना। अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है, तो कहानी सुना दो भाई। अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौवा प्यासा था, खड़े में पानी थोड़ा था। कौवा लाया कंकर, खड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। अच्छी कहानी थी भाई। कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी चलो, होगा। चलते हैं। सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई। कौन है दीदी? कौन है दीदी? अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा। अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, हम थोड़ा पानी पी लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी? हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा, आप कौन है? मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ? कौन है आप? नहीं समझे? नहीं। अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो। लंबे दिन और छोटी रातें, पंखा झलते होती बातें। लंबे दिन और छोटी रातें, पंखा झलते होती बातें। निकले बाहर छाता लेकर, निकले बाहर छाता लेकर, पानी पीते रहते दिन भर, पानी पीते रहते दिन भर। दिन भर पंखा जलते हैं और सारा दिन पानी भी पीते हैं। ऐसा मौसम, अब गर्मी अम्मा है। बिल्कुल ठीक समझी, मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ। गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता। सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी यानी
हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है। हाँ अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है। भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है? हाँ चलो अम्मा, चलते हैं। चलो। सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे। अरे ये क्या गिरा? मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो। वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए। अम्मा आप क्या छुपा रही हैं? अम्मा ये आपके हाथ में क्या है? मेरे ही मौसम का एक फल है। दिखाओ ना। दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा। इसका नाम सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो। स्वाद है, पसंद है, सबसे अच्छा भी है। कौन सा फल है? कौन सा फल? नहीं समझी? नहीं। अच्छा तो फिर सुनो। खट्टा है पर नींबू नहीं, खट्टा है पर नींबू नहीं, मीठा है पर गुड़ नहीं, हरा हरा है ककड़ी नहीं, हरा हरा है ककड़ी नहीं, पीला हो जाता है संतरा नहीं, फल है ये रस वाला फलों का ये राजा है, फल है ये रस वाला फलों का ये राजा है, झट से तुम बोलो ये क्या है, झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना। आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम। बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना? अरे कोई खाने को दे तब ना। अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ। लाओ अम्मा, लाओ अम्मा, लो। गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ। गर्मी। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख मोहिनी राव, कलाकार वीना होरा, बाबला कोचर, आरती और तुषिता, संगीतकार विनोद शर्मा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और संजय सक्सेना, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।